अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्राई करने वाले हैं वायरल फेस मास्क, जो कि एंटी एजिंग भी है और स्किन को ग्लो भी करता है और स्किन को ब्राइट भी करता है। मैंने ये खुद पहले ट्राई किया है, मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला, तो फिर मैं दोबारा बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि ना आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। जी, इसके लिए हमें सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट चाहिए। सिंपल दूध, रॉ मिल्क, ठीक है, अगर कच्चा नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप उबला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अंडा, अंडे की जर्दी चाहिए हमें, कंप्लीट एग नहीं चाहिए हमें, और हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, ठीक है। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने इस अंडे की जर्दी लेनी है, ठीक है। मैं इसको तोड़ लेती हूँ, जस्ट हमें इसकी जर्दी चाहिए। जी, ये हम ले लेंगे एक अंडे की जर्दी, ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर थोड़ी बहुत सफ़ेदी आ भी जाती है तो इट्स डजेंट मैटर। अब हमें चाहिए इसके अंदर 1 चम्मच दूध, कच्चा दूध, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा चम्मच है तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डाल लेती हूँ, और साथ ही चाहिए हमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। ये भी आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट से, कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इतना सा, ठीक हो गया। अब जी हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को करना है अच्छे से मिक्स। ये एंटी एजिंग मास्क है, अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं टाइम से पहले, ठीक है, और आपके स्किन की ग्लो जो है वो ख़त्म हो गई है, चमक नहीं है, बेरौनक हो गई है स्किन, तो आप इस मास्क को हफ्ते में एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं वो, फाइन लाइन्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और स्किन ग्लो भी करेगी। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपने, फाइन सा पेस्ट बन जाए इसका, ताकि ये स्किन पे स्टे कर सके, ठीक है। जब तक मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, तब तक काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। तो ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी, अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा रनी है तो कोई मसला नहीं, आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकती हैं, ठीक है, अदरवाइज़ आप ऐसे भी इसको लगा सकती हैं। इस तरह से आपने इसके 2 कोट लगाने हैं अपने चेहरे पर, और इसको ड्राई होने देना है। जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाए तो नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर लें, और उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।